नमस्कार साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे अपठित अवबोधनम, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए साथियों, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ये अपठित अवबोधनम है, इसका हम हिंदी में अनुवाद देखते हैं। दीपावली अस्माकं प्राचीनतमं पर्व। दीपावली हमारा प्राचीन पर्व है, बहुत पुराना पर्व है। अस्मिन् दिने सर्वाधिकम् आकर्षकम् मनोरंजनम् भवति। अस्मिन् दिने, इस दिन सर्वाधिकम् आकर्षकम्, सबसे अधिक आकर्षक मनोरंजन होता है। अस्मिन् दिने सर्वाधिकम् आकर्षकम् मनोरंजनम् भवति, इस दिन सबसे अधिक आकर्षक मनोरंजन होता है। स्पोर्ट का नाम आस्फोटनम्, स्पोर्ट का नाम का मतलब होता है पटाखों को छोड़ना। विचित्राणी वर्ण युक्तानि आकाशे विविध रूपाणि दर्शयन्ति, विचित्र रंगों से युक्त आकाश में विभिन्न रूप दर्शयन्ति, दिखाई देते हैं। जनातानि दृष्ट्वा तुष्यन्ति, लोग उनको देख करके तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। परंतु अति सर्वत्र वर्जयेत्, लेकिन अत्यधिकता वर्जयेत छोड़ देनी चाहिए। रात्रौ, आस्फोट का नाम शब्द है, करणे बदिहि करोति, रात्रि में पटाखों का शब्द कानों को बैराही कर देता है। वायुमंडलम च दूषयति, और वायुमंडल को प्रदूषित कर देता है। पूर्वं तु, पहले तो जनसंख्या सीमिता आसीत, जनसंख्या सीमित थी, पहले तो जनसंख्या सीमित थी। वृक्षा वायुं शुद्धं करवन्ति, इसमें वृक्ष वायु को शुद्ध करते थे। इदानीं, अब जनसंख्या प्रवृद्धा, अब जनसंख्या प्रवृद्धा बढ़ गई। वृक्ष संख्या से क्षीणा, और वृक्षों की संख्या क्षीणा कम हो गई। विस्फोट के भी निर्गत धूमे रुग्णान पीड़यति, पटाखों से निकली हुई धुआं रोगियों को पीड़ित करती है। नवजात शिशु भी हानिकर सिद्धयति, नवजात बच्चों के लिए हानिकर सिद्ध होती है। दीपावली समय आकाश निर्मल भवति, दीपावली के समय आकाश निर्मल होता है। दीपावली समय आकाश निर्मल भवति, दीपावली के समय आकाश निर्मल होता है। अतः इसलिए वयम पवित्रतया सद्भावनया उत्साहेन च दीपावली मानिय, इसलिए हम पवित्रता से, सद्भावना से और उत्साह से दीपावली को मनाएं। वसुंधराम भूषिताम कुरियाम, धरती को विभूषित करें, न तो दूषिताम, नहीं कि दूषित। ये सर्वेषां जीवनम सुखमयम भवेत, जिससे सबका जीवन सुखमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिने, सभी सुखी हों, इति अस्माकं आदर्श है, इस प्रकार हमारा आदर्श है। अब साथियों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि के वायु शुद्धं कुर्वन्ति, कौन वायु को शुद्ध करते हैं, वायु को कौन शुद्ध करते हैं। तो देखिए साथियों, वृक्षः वायु शुद्धं कुर्वन्ति, इसमें वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं। तो इस के स्थान पर हमारा आंसर क्या होगा, यहां पर आंसर लिख देता हूं साथियों, वृक्षा। यदि एक शब्द में आंसर देना हो तो वृक्षा लिखकर के हम पूर्ण विराम लगा देंगे। ये अंडरलाइन कर दिया है, अच्छी तरह से हमारा ध्यान इधर चला जाए। के स्थान पर हम वृक्षा आंसर लिखेंगे, और यदि पूर्ण वाक्य में उत्तर पूछा जाता है तो लिखेंगे वृक्षा वायु शुद्धं कुर्वन्ति, वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, सर्वेषां जीवनम कीदृशं भवेत, सबका जीवन कैसा हो, सबका जीवन कैसा हो। तो देखो नीचे नीचे है, सर्वेषां जीवनम सुखमयं भवेत, सबका जीवन सुखमय हो। तो यहां पर जो आंसर है सुखमयं, तो कीदृशं के स्थान पर हमारा आंसर हो जाएगा साथियों सुखमयं, सुखमयं, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, और पूर्ण विराम लगा लेंगे। सर्वेषां जीवनं सुखमयं भवेत, सबका जीवन सुखमय हो। केषां, आस्फोट का नाम,
या केशान आस्फोटनम आकर्षकम भवति, किन किनका फोड़ना आकर्षक होता है। तो यहां पर केशान के स्थान पर क्या लिखेंगे साथियों, देखो केशान यहां पर साथियों विस्फोट के बे लिखा हुआ है, और आकर्षकम भवति किनको फोड़ना आकर्षक होता है, तो स्फोट का नाम आस्फोटनम, स्फोट का नाम आस्फोटनम, विचित्राणि वर्णयुक्तानि आकाशे विविध रूपाणि दर्शयन्ति जनातानि दृष्ट्वा तुष्यन्ति परन्तु अति सर्वत्र वर्जयेत रात्रो। आस्फोट का नाम शब्द है, कर्णे बद्री करोति वायुमंडलम च दूषयति, पूर्वं तु जनसंख्या सीमिता आसीत्, वृक्षा वायु शुद्धं कुर्वन्ति स्म, इदानीं जन संख्या प्रवर्धा वृक्ष संख्या चक्षीणा, विस्फोट के भी निर्गत धूमे रुग्णान पीड़यति, नवजात शिशु भी हानि कर सिद्ध्यति, दीपावली समय आकाश निर्मल भवति, अतः वयम पवित्रतया सद्भावनया उत्साहित दीपावली मान्य, वसुंधराम भूषिताम कुर्याम न तो दूषिताम, येन सर्वेषां जीवनम सुखमय भवे, सर्वे भवन्तु सुखिनः इति अस्माकम् आदर्श है। तो साथियों यहाँ पर इसका आंसर नहीं है, तो फिर कहाँ है, यहाँ पर है साथियों, स्फोट का नाम आस्फोटनम। ये देखो इस दिन सर्वाधिक आकर्षक मनोरंजन होता है, किनका होता है, स्फोट का नाम स्फोटनम। तो केशान के स्थान पर हमारा आंसर होगा स्फोट का नाम, तो यहां लिख देता हूं साथियों स्फोट का नाम, स्फोट का नाम। इस प्रकार से इसका आंसर किसके स्थान पर, केशव के स्थान पर हो जाएगा स्फोट का नाम। नेक्स्ट है स्फोट का नाम धूमे कान पीड़यति, पटाखों की धुआं किनको पीड़ित करती है। तो देखिए स्फोट के पे निर्गत है, पटाखों से निकली हुई धुआं रुग्णान पीड़यति, तो यहां पर कान के स्थान पर हमारा आंसर क्या होगा, रुग्णान होगा साथियों, रुग्णान कान के स्थान पर उत्तर होगा रुग्णान। स्फोट का नाम धूमे रुग्णान पीड़यति, पटाखों की धुआं रोगियों को पीड़ित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्माकम के आदर्श है, हमारा क्या आदर्श है, तो साथियों हमारा आदर्श क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिने इति अस्माकम आदर्श है, ये हमारा आदर्श है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवृद्धा इतिहास किम विलोम पदम, प्रवृद्धा का मतलब बढ़ गई, ये इसका क्या विलोम पद है अत्र प्रयुक्तम, क्या विलोम पद प्रयोग किया गया है कि बढ़ गई, देखो प्रवृद्धा ये बढ़ गई, इसका विलोम पद क्या होगा, क्षीणा। तो इस प्रवृद्धा का विलोम पद क्या होगा साथियों, क्षीणा, ये क्षीणा के हम राइट का निशान लगाएंगे, वृद्धि सर्वाधिक क्षीणा उच्च, तो क्षीणा होगा। ठीक है, ये भी देख लीजिए यहां पर भी क्षीणा, प्रवृद्धा क्षीणा। नेक्स्ट है तुष्यन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किं प्रयुक्तम्, तुष्यन्ति इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है, तो देखिए तुष्यन्ति यहां पर लट लगा रहे प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, तो इसका कर्ता क्या होगा साथियों, जनाः, क्योंकि प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, प्रथम पुरुष बहुवचन का ही कर्ता है, तो यहां कर्ता क्या होगा साथियों, जना, कर्तृपद का मतलब होता है कर्ता। नेक्स्ट है पर्व इत्यस्य किम विशेषण पदम प्रयुक्तम्, पर्व इसका क्या विशेषण पद प्रयोग किया गया है, तो देखिए पर्व ये विशेष है, इससे पहले विशेषण क्या है, प्राचीनतमम, तो इसका विशेषण पर्व का क्या होगा, प्राचीनतमम, तो हम इसकी चिन्ह लगा देंगे प्राचीनतमम, ये हमारा उत्तर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जनातानि दृष्ट्वा तुष्यन्ति, लोग उनको देख करके संतुष्ट होते हैं, अतः तानि सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम्, यहाँ तानि सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, तो लोग उनको देख करके संतुष्ट होते हैं, किनको साथियों, किनको देख करके संतुष्ट होते हैं, स्फोट का नाम आस्फोट नाम, इनको देख करके संतुष्ट होते हैं, मुख्य रूप से स्फोट का नाम पठाकों को देख करके, तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, स्फोट के भी मनोरंजनाए वृक्ष भी आकाशाए, तो यहां पर उत्तर होगा हमारा स्पोर्ट के पे, क्यों, कस्मै चतुर्थी विभक्ति में उत्तर पूछा गया है, तो हम चतुर्थी विभक्ति में उत्तर देंगे स्पोर्ट के पे, क्योंकि एक वचन स्पोर्ट का है,
द्विवचन स्फोट का अभ्याम और बहुवचन स्फोट के भेद। बहुत सारे पटाखे छोड़ते हैं ना, तो बहुत सारे पटाखों के लिए चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अच्छे गद्यांश से समुचितम शीर्षकम लेकर, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो साथियों इस गद्यांश का शीर्षक हम लिखेंगे दीपावली, ये शीर्षक हम लिखेंगे, बहुत ही प्रमुख शीर्षक है दीपावली। ठीक है, और दूसरा शीर्षक लिख सकते हैं आप अस्माकम दीपावली, हमारी दिवाली। ठीक है, अब हम आगे इन प्रश्नों को देख चुके हैं, अब एक बात और कर लेते हैं साथियों कि जो कर्ता तथा क्रिया से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके विषय में हमें ध्यान रखना है कि कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम यहां पर देख लें, जैसे रात्रो स्फोट का नाम शब्द करने बदरी करोति, कानों को बहरा कर देता है, क्या कर देता है शब्द है, शब्द कर देता है। तो यहां पर करोति है क्री धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन है और शब्द यहां पर करता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए यहां पर देखिए नवजात शिशुभ्य हानिकर सिद्धेति, नवजात बच्चों के लिए भी हानिकर होता है, हानिकर होता है। तो सिद्धेति प्रथम पुरुष एकवचन है और क्या होता है हानिकर है, हानिकर होता है। के भे किनके लिए होता है नवजात शिशु भी, नवजात बच्चों के लिए हानिकर होता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट दीपावली समय आकाश है की दृश्य होती, दीपावली के समय आकाश कैसा होता है तो की दृश्य के स्थान पर हम लिखेंगे निर्मल है, निर्मल होता है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।